तो आज हम नेक्स्ट भाग करने जा रहे हैं, पार्ट तीन। कुछ प्रभुपाद की कन्वर्सेशन से पहले उसको पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 19 नहीं, पेज नंबर 19 मेरे को याद दिला दे। कोई भी कहीं भी कभी भी, कोई भी, कोई अनपढ़ या धनी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी कोई भी देश का, ये 16 शब्द कोई भी सीख सकता है। आप देखें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई व्यय मतलब खर्च नहीं होता, यू नॉट एक्सपेंडिंग एनीथिंग। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आप जंप करते जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई खर्च नहीं है और ना ही कोई हानि। तो कुछ लोग बोलते हैं, प्रोजी इसके हाथ से तो ये छन बज रहे ना, बट इसमें डाल प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि क्या हरे कृष्ण महामंत्र लेने में आपका 1 रुपया खर्च हो रहा है? अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है। वह क्या भगवान का मंत्र लेने में कोई खर्चा हो रहा है? कुछ लोग सोचते हैं, अरे इस्कॉन वाले हमेशा हरे कृष्ण पीछे पड़े रहते हैं, माला करो माला करो माला करो। एक दिन एक क्लास में से किसी ने पूछा कि इस्कॉन वाले हमेशा पीछे क्यों पड़े रहते हैं, माला करो माला करो माला करो। तो मैंने कहा, अगर आप माला करोगे तो उसका क्या फायदा है? अगर आप माला कर रहे हो तो उस इस्कॉन वाले का जो आपके पीछे पड़ा हुआ है माला करो उससे क्या फायदा है बताइए? कुछ ना, क्या मिलता? कुछ नहीं। जो कुछ फायदा किसको है? आपको। जितने भी हम लोग बाहर समाज में इस तरह के बड़े सारे देखते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो बोलते हैं, भाई देखो ऐसा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आओ, गुरु जी के चरणों में दंडवत करो, चढ़ावा चढ़ा कर जाओ, तो उनको फायदा है। इस्कॉन वाले बोलते आप माला करो, कुछ मत करो, कुछ मत दो, कुछ मत करो, अब क्या करो? माला करो। अब माला अगर आप करोगे तो, अगर आप कर रहे हो माला तो उसमें मेरा क्या है? मैं बोलती हूँ माला करो माला करो, उसमें मेरा क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ नहीं। सारा फायदा किसका है? सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका है। सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, प्रीचिंग के उसके। मगर अगर एक जीव माला कर रहा है, जीव भगवान का नाम ले रहा है, तो केवल 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 सिर्फ उस जीव का फायदा है और किसी का भी नहीं। क्योंकि अंत में हम सब ने अपना अपना एरोप्लेन उड़ाना है, हम सब ने अपना अपना एरोप्लेन उड़ाना है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आपको
कोई बस में बैठे हैं या तो कोई गाड़ी में, 2 घंटे के लिए 2 घंटे अगर आप जप करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, तो अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। तो आप क्यों नहीं कोशिश करते? इससे हमारा कोई खर्च नहीं है, ना कोई हानि है और ना ही कोई समय की हानि है, ना ही धन की हानि है, ना ही कोई ऊर्जा की हानि है। इसमें ना सीधे सीधे और लय में गाते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, आप साक्षात परम परमेश्वर से अपना संबंध स्थापित करते हैं, आप सीधे जुड़ गए। तो अगर आप जुड़ रहे हैं भगवान से तो सिर्फ फायदा किसका है? सिर्फ आपका है और किसी का भी नहीं है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हम कोई और काम करने लगे, आज हम मॉल घूमने जाए, पैसे लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं, है ना। अगर हम कहीं पर चलो जी पिक्चर देखे, पैसे लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। तो कहने का मतलब हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं अगर जाना भी पड़े तो आपको गाड़ी में भी जाने से पेट्रोल लगता है भाई। मगर अगर आप अपने खाली समय में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आदि का जप करें तो इसमें सिर्फ फायदा आपका है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते जिनको ऐसा समझाया तो उनसे पहले मन से बहुत गुस्सा था। जब ट्रैफिक रेड लाइट में रहती ना तो रेड लाइट में ना पी 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 करते रहते। अरे पी पी करने से रेड लाइट ग्रीन थोड़ी ना आ जाएगी, तब भी रेड ग्रीन क्यों नहीं हो रही है? वहीं पर रेड लाइट में खड़े खड़े पी पी कर दे, अब लगता है अरे बड़ा अच्छा हो गया रेड लाइट आ गया, चलो एक माला कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, कितना अच्छा है। और अगर थोड़े कम समय की भी ये माला नहीं भी करनी तो मुंह से तो बोल सकते बैठे बैठे। खाली समय के अंदर जहाँ हम भगवान, कभी हम सिर्फ अपने दिमाग में इधर उधर की बातें सोचते थे, गुस्सा था, रेड लाइट क्यों नहीं ग्रीन हो रही है, जैम क्यों हो गए, ट्रैफिक जैम क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो सब सोचने के बजाय हम आराम से बैठे हरे कृष्ण 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 हरे राम। वो जब जैसे होना है वो सब तभी वैसे होना ही है, जब रेड लाइट ने ग्रीन होना है उसे तभी ही ग्रीन होना है, जब जैम ने खुलना है तभी खुलना है, आपने थोड़े ना उस जैम को खोल देना है। तो वहां पर बैठ के पी 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 करने से क्या फायदा है? अगर आज मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आज आपके पास वो बस स्टॉप पे वेट करनी है क्या कर सकते, बस को आपको शोर मचाने से जल्दी थोड़ा ना बुला लेंगे, 2 घंटे हो गए वेट करते, पागल बना के रखा है, अभी तक बस नहीं आई है। अरे भैया आराम से बैठ के चेक करो ना, क्यों शोर मचा रखा है? तो एक बार क्या हुआ, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, जो हमारी फ्लाइट थी उन्होंने कहा आधा घंटा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, रात को 9:30 बजे की फ्लाइट थी, आधा घंटा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से माला करते हैं। फिर आधे घंटे बाद बोलते हैं नहीं नहीं अभी फ्लाइट 2 घंटा लेट है, 12 बजे आएगी। तो बच्चे थोड़ा पी पी कर लगे, भुवनेश्वर एयरपोर्ट था, त्रिवेणापुरी से आ रहे थे तो वहाँ पर एयरपोर्ट भी छोटा सा है और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे बहुत सारा आगमन सब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ होती है, आने जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर भी खाली सा पड़ा था, कोई नहीं था उस टाइम पे, सबकी शायद कोई भी फ्लाइट नहीं थी उसके बाद, तो पूरा एयरपोर्ट भी कोई होता, 2-4 एयर ऑफिशियल्स थे बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हमने कहा कि अब 2 घंटे कैसे पार होंगे, तो फिर हमने कहा चलो काम करते हैं, सबके पास करता लिया, सबने कहा हाँ जी चलो जी कीर्तन करना शुरू करते हैं। हमने एयरपोर्ट पे ही वहीं पर नीचे अपनी अपनी चादरें निकाल ली और बिछा दी, है ना। एक वो एक एयर ऑफिशियल आया, जी क्या कर रहे हो? हमने कीर्तन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? बोले नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, ये ठीक है, ठीक है जी हो गया। हम लोगों ने वहाँ पे कीर्तन किया, 11:30 बजे उन्होंने कहा जी फ्लाइट और लेट हो गई है, फ्लाइट और लेट हो गई है। मैंने ये बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास कीर्तन करने के और टाइम मिल गया। तो
तो हमने वहाँ पर रात को 2:30 बजे से कीर्तन किया, जाके 2:30 बजे जाके बोटिंग शुरू हुई, जाके हमने खूब मजा किया, खूब हम लोगों ने भगवान भगवान ने कीर्तन किया, खूब स्टोरी सुनी, खूब कथा करी, है ना, खूब सारे हमने पूरे जगन्नाथ जी के हमने लीलाओं पर डिस्कशन किया, खूब मजा आया। और किसी को पता नहीं चला कि 2:30 बज गए। और जो हमारी पैसेंजर हमारे फ्लाइट में से हम ही थोड़े थे, और भी थे, और जो कुछ लोग हम थे करीबन 50-60 लोग, तो हम लोग तो मजे कर रहे थे, बाकी सारे कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, हमारे लिए कुछ स्नैक्स अरेंज नहीं किया, फ्लाइट ले रहे थे स्नैक्स अरेंज करते हैं, वेयर आर आवर स्नैक्स, दिस दैट, कोई ची 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 कर रहा है, कोई सुबह ऐसे गर्दन लटका के सो रहा था, है ना, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा था गुस्से के मारे, हम लोग मजे में थे। ये क्या बात है, कभी आपने कहा था आधा घंटा, फिर आपने कहा था 2 घंटा, फिर आपने कह दी 2 घंटा और, ये वो तरीका है, ये है वो है, वो बेचारे लगे हुए और हमसे बड़े खुश थे, वो सारे ये लोग नहीं आ रहे, ये सब शांति से बैठे हुए हमारे पास, कोई आके परेशानी करो, हाँ कुछ कुछ आकर के बैठे, कुछ लोग जो और पैसेंजर्स में थे वो भी हमारे पास आके ज्वाइन कर गए, उन्होंने भी हमारे साथ पूरा प्रवचन कीर्तन सुना, मगर ऐसे थे वहाँ पर 30-40 लोग ज्यादा होंगे बिल्कुल, जो परेशान हुए जा रहे थे बार बार, और वो सिक्योरिटी चेक के अंदर आ चुके हैं, तो उसके बाद वो बाहर भी नहीं जा सकते, सो एज अ रिजल्ट उनकी हालत खराब थी, है ना, हमने उनको कई बार इन्वाइट किया कि आप भी आ जाओ, नहीं 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 हमारी मर्जी, हमें से कई बार उठ के जाते थे कि उनको बुला लो सबको, वो भी आ जाएंगे, तो कितना मजा आ रहा है, नहीं तो कुछ लोग सिर्फ परेशान होते हैं, टाइम पे जो चीज़ होनी होती है वो तो अपने टाइम पे होगी ही, अगर वो समय को हम इस्तेमाल करके अपने आप को भगवान से जोड़ लें तो वही टाइम हमारे लिए आनंद का टाइम बन जाता है, नहीं तो वही टाइम एक फ्रस्ट्रेशन का एक उतना डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन जाता है। तो एक प्रभुपाद की कन्वर्सेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये माइक और श्री प्रभुपाद कन्वर्सेशन है, तो लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में ओएस मींस माइक रॉबिन्सन आत्मा के विज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। सो लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के वो थे। माइक पूछ रहे थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस में विश्वास करते हैं, हरे कृष्ण अभियान का दार्शनिक पक्ष क्या है? श्री प्रभुपाद ने, जी हाँ, श्री कृष्ण भावना में अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न ही नहीं है, वरन ये तो विज्ञान है। तो बोलते कृष्ण भावना में मतलब भक्ति क्या है, ये विश्वास का प्रश्न नहीं है, क्या है, विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञात प्राप्त करता है कि जीवित और मृत देह में अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह की त्याग लेती है और इसलिए शरीर मृत कहलाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक हुई देह और दूसरी हुई देह में रह के भीतर रहने वाली आत्मा। माइकल, अच्छा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण अभियान का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आएगा? बोलते हैं कि अगर हम इस्कॉन का मेंबर बन जाएं, तो भी हमारे जीवन में क्या अंतर है? श्री प्रभुपाद कहते हैं, व्यक्ति का वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होती है, सर्वप्रथम तो ये समझना कि मैं एक चिन्मय आत्मा हूँ और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं। प्राथमिक ज्ञान का ये क ख ग है। तो जब आपका देहांत होता है तो अर्थात देह का नाश हो जाता है और तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं, यदि आप कल विभिन्न प्रकार का कुर्ता या विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो क्या इसका अर्थ हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तित कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। तो
छोटी सी एक्टिविटी करा रहे हैं सबको, ठीक है, करेंगे? पहले भी शायद इक्वल करवाएंगे, हाँ हाँ, टच योर सेल्फ, ठीक है, दो कराओगे, दो एक्टिविटीज कराओगे आज तो। अभिनंदन छोटा है दूसरी एक्टिविटी के लिए, पहली एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सब लोग बोलेंगे कि ये मेरे कपड़े हैं, मैं कपड़ा नहीं हूँ, ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूँ, छुई मैं नाक, ये मेरे कान है, ये मेरे कान है, मैं कान नहीं हूँ, ये मेरे बाल है, ये मेरे बाल है, मैं बाल नहीं हूँ, ये मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। यानी पुरुष जी थोड़ा हाथ थोड़ा सा करिए आगे, तभी समझ में आएगा मैं क्या करा रही हूँ। मैं, ये मेरे पाँव है, ये मेरे पाँव है, मैं पाँव नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? ये तो मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूँ। ये मेरी बॉडी है, मैं अपने हिसाब से बात करो, ये मेरी बॉडी है मगर मैं बॉडी नहीं हूं। कभी तो बताया मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते मेरे में दर्द हो रहा है, हमेशा बोलते मेरी सारा शरीर दुख रहा है, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। तो इसका मतलब मेरा और शरीर दो अलग अलग चीजें हुई, तो मैं कौन हुई? ओके, तो हमारे को ये शरीर से मैं अलग मिला हुआ है, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मैं इस शरीर से कुछ अलग हूं, और इसलिए मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा। और आप देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मानते जी आत्मा है, अगर सिर्फ हिंदू मानते होते तो मुस्लिम में रूह क्यों बोलते? वहां पे तो वर्ड है रूह, और इंग्लिश में क्या वर्ड है? सोल। इसका मतलब उनको पता है सोल होती है, मुस्लिम पता है रूह होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्मी ऐसा बोलते जी आत्मा है, कहीं तो ऐसा कोई सिमिलर वर्ड ही नहीं है, है? सब है, हर लैंग्वेज में है। मगर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ये बात जानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, हम हिंदुस्तान में रहते तो पक्का जानते हैं, कहीं ना कहीं बचपन सुन रखा होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं रियलाइज नहीं करते हैं, अभी भी लगता है नहीं जी मैं तो श्री नारायण ही हूं, अरे ये नहीं पता, ये तो शरीर है, अभी एक सेकंड में छूट सकता है, पहुंचते एक सेकंड बाद आप बोलो नारायणी माता जी गई, तो नारायणी माता जी गई कहां? तो शरीर तो यहीं पड़ा होगा, शरीर तो यहीं पड़ा होगा, हाथ आंख मुंह पैर सब कुछ ही, आप कहते ना मिस्टर खन्ना गए, कहां गए शरीर तो यू क्यों है? पास जबे, पास होने का मतलब हुआ आए थे और चले गए, अगर वो बॉडी होते तो हमें क्या बोलना चाहिए था? तो यही पर है, ये रही बॉडी, कहां गए ये रे? हाँ, जैसे ही आत्मा निकल जाती है उसके बाद क्या होते हैं? डेड बॉडी है जी, डेड बॉडी है, अभी बोलते हैं मिस्टर खन्ना की डेड बॉडी है,
मिस्टर खन्ना की डेड बॉडी है, मिस्टर खन्ना की डेड बॉडी है, मतलब कि वो कुछ और हुए और वो डेड बॉडी कुछ और हुई। बुक रख दीजिए, आराम से शांति से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, टेक डीप ब्रेथ, आंख बंद करिए, एक लंबी सांस लेनी है और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसा वैसा ही सोचना है, ठीक है। याद करिए जब आप छोटे से बच्चे थे, छोटी सी फ्रॉक छोटा सा निकर पहन के घूमते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, क्लोज योर आईज, याद करिए उस टाइम पे आपके हाथ पैर कैसे थे, याद करिए कि आपको उस समय पर आपको अपने शायद किसी कपड़े का कुछ याद हो, मम्मी कैसे दिखती थी, पापा कैसे दिखते थे, फिर याद करिए कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे और कितना टेंशन था, वो दिन याद करिए जब पढ़ाई कर रहे थे और लग रहा था कल पेपर है, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए थे, याद करिए जब 12th का रिजल्ट आया था, जब रिजल्ट आया था तो क्या 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 हुआ था वहां पर, जिसकी लाइफ में जो चीजें हो चुकी है वो होएंगी, बाकी आप ना आगे सोचते जाएंगे कि ऐसा हो रहा है। ना आप याद करिए जिनके नहीं हुआ है वो आगे का सोचेंगे, अब सोचिए कि जैसे आपका विवाह हो गया, या जिनका हो चुका है वो सोचेंगे जब आपका विवाह हो रहा था फिर उसके बाद आप कैसे दिखाई दे रहे थे या दिख रहे होंगे, फिर याद करिए जब ऐसे सोचिए या याद करिए कि आपके पास कोई बेबी है जो आपका आपका कोई बच्चा हुआ, सोचिए उस समय में आप कैसे दिखते थे, क्या क्या घट रहा था, सोचिए कि बूढ़े हो गए, आपका हाथ में रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, मुंह पे झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, और सोचिए कि ऐसे वृद्धावस्था में आकर के कमर दर्द करने लगी है, झुकने लगी है, दांत भी अब झड़ने लगे हैं, कैसे दिख रहे हैं आप, आपके हाथ पैर कैसे दिख रहे हैं, सोचिए अभी अभी आपने शरीर त्याग दिया और जब उस शरीर को त्याग करके आप बाहर खड़े हुए तो अपने सामने शरीर को धू धू करते हुए जलता हुआ देख रहे हैं, आंख खुली,
ever experienced something? क्या देखा? रंग बचपन के साथ सामने आया। क्या आपने अपने आप को इस बॉडी को चलते हुए देखा? कैसा फील हो रहा था? शिवम ब्रो, बचपन देखा अपना खेतों में घूमते हुए, फिर जब शरीर त्यागा बूढ़ा देखा अपने आप, जब शरीर त्यागा तो उस समय कैसी फीलिंग थी? ऐसा लगा कि शरीर जल रहा है। और कोई फीलिंग आई? प्रश्न अभी सीनियर से बॉडी फीलिंग ये आई थोड़ा सा आसान था, सुषमा जी आप काफी कहने में सुन थे। शरीर जल के नष्ट हो गया, अभी तक मैंने जीवन में किया क्या? एक पॉइंट माता जी, मैं अभी सोचता हूँ, मानने के बाद ही सोचूंगा कि पॉइंट क्या होगा। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास भगवान को अगर जीवन भर कुछ नहीं कर पाया तो मैं बहुत कुछ करने पाते कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर। मतलब कि जीवन में हमने बहुत कुछ कर सकते थे बट किया नहीं, ये फीलिंग आई। ऐसा फीलिंग आया जब बॉडी जब तक देखा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा? किसको ऐसी फीलिंग आई? आपको आई? क्या कहीं बॉडी जल गई ये यहाँ पर है ना, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, दाएं मुड़ू कि बाएं मुड़ू? ऐसी फीलिंग आई? इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया मुझसे कुछ नहीं होगा। कितनी मत जी I was repenting and I lost the battle. You were repenting is उदास हो रही थी कि मैंने इस ऐसे पूरी जंग हार दी है। तो ये जो आज हमने काल्पनिक यात्रा की है जिसमें कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ पोर्शन अभी हमारा देखना बाकी है, बालाजी आप बता सकते हैं वो कैसी फीलिंग है? मैंने कि 4-5 दिन किसी ने याद किया, उसके बाद किसी ने मुझे याद नहीं किया। किसने मुझे याद नहीं किया उसके बाद? सच्चाई तो ये है कि आपको ही याद नहीं रहेगा। जैसे शरीर छोड़ के उठेंगे बिल्कुल वैसे लगेगा सपना छोड़ के उठे, सपने में क्या देखा था वो भी याद नहीं आएगा, नहीं याद आएगा। तो अब मैंने अपना आगे का भी देखा, पिछला देखा, उससे आपके हाथ पर कैसे थे? अपने अपने हाथ याद है? अब देखिए कोई अपने पुराने निकर या पुराने फ्रॉक याद आई? अरे देख लो, बहुत कुछ याद आया। बचपन की कोई निकर याद आई? आई हरकतें याद आई? गुड। अब देखो हम एक लाइफ के अंदर हम देखा जो हाथ पैर हमारे बचपन में थे वो हाथ पैर आज नहीं है, पूरा चेंज हो गए हैं। और जो आज है वो और आज 20-25 साल बाद जो बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम पे नहीं हो।
सारे बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, सारी स्किन चेंज हो चुकी होगी, हर चीज चेंज हो चुकी होगी। जो लुक हमारी आज है वो आज से 20-25 साल बाद नहीं होगी। और ये तो हम इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को देखते हैं, इतने ग्लैमरस थे कभी, और अब उनको बुढ़ापे में देखो तो लगेगा बाप रे छी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एज के बढ़ रही है। और लास्ट में कॉमन सामने आया कि जैसे ही शरीर छूटा सबने मेरे को लगभग एक ही बात बोली है कि ये पछतावा हो रहा था कि मैंने अल्टीमेटली जिंदगी में कुछ नहीं किया, कर सकती थी। कॉमन एक फीलिंग आया कि मैं कर सकता था मगर मैं ढीला पड़ गया। मदरी को याद है कब का वो जामुन के पेड़ पे गिरी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो शरीर है हमारा ये चेंज होता रहता है, ये शरीर लगातार चेंज हुआ है। जो बचपन में थे हम वो हम अपनी 9-10 वाले शरीर में नहीं थे, और जब 9-10 में थे तो आज हम जवानी में नहीं है, और उसके बाद बुढ़ापे में सेम शरीर नहीं है, और उसके बाद आगे जाकर जब हम और जागृत हो जाएंगे तब भी सेम शरीर नहीं होगा, और जब शरीर छोड़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे। तो चलिए आता नहीं लेकिन अपने आप को जब तक देख के कैसे लगेगा ये बता रही थी। जो आज तक मैं अपने आप को मैं ये शरीर सोचती आ रही थी, मैं ही जीती, बचा क्या? इसका मैं आपका शरीर डिफरेंट है। और हमारी लाइफ के अंदर ये स्टेजेस हमेशा हमेशा चलते रहेंगे, ये हमारी लाइफ के स्टेजेस हैं जो हमेशा हमेशा चलते रहेंगे। एक बात और समझने वाली है कि जिस भी स्टेज में आज हम हैं हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तभी आज इस क्लास में बैठे हैं, और 20 साल बाद 10 साल बाद हमारे हाथ पैर नहीं ठीक से चलेंगे, वो बात तो हम आज ही फील कर सकते हैं कि आज 10 साल पहले जो एनर्जी थी, 20 साल पहले जो एनर्जी थी वो आज नहीं है। ये फील होगा, ये फील होगा बचपन में 10th के बोर्ड में वो जिस टाइप का जुनून था पढ़ने का, हाँ बैठने की पावर थी, कहा था अभी घंटे वो अब नहीं रही, और अभी थकान भी ज़्यादा महसूस। और अभी तो ये यंग है, 25 साल के हैं तब इनको ऐसा फील हुआ, और जब ये 75 साल पे आ जाएंगे तो उस टाइम पे कैसा फील होगा, एनर्जी क्या हाल होगा? ठीक है, एनर्जी ड्रेन होना शुरू होती है 40 के बाद। तो कहने का अर्थ ये है कि बॉडी सदैव चेंज होती रहेगी, और जलने के बाद फिर उसके बाद एक नई बॉडी के अंदर वापस हम किसी और बॉडी में चले जाएंगे, और उस बॉडी का हम इसी शरीर में बॉडी का निर्णय करवाते हैं कि हमें अगली बॉडी क्या चाहिए। क्योंकि जैसे जैसा हम सोचेंगे, जिस तरह का हमारा नेचर बनेगा, जिस तरह की हमारी इच्छाएं बनेंगी, जिस तरह की हमारी अपनी डिजायर्स होंगी, उसके हिसाब से ही हमारे को अगला शरीर मिलना है। तो मरने के बाद जब चिता जलती देखी तो उसके बाद जब हमें नए शरीर में डाला गया तो पता नहीं ना हमारी क्या मेंटेलिटी थी, मरते समय तक हम क्या मनोस्थिति में होंगे। तो वो मनोस्थिति इंप्रूव नहीं करी अगर हमने आज,
सब लोग बोलते बुढ़ापे में करेंगे, ये जवानी काम थोड़ी ना। तो जिन्होंने जवानी पर कुछ नहीं किया था वो बुढ़ापे में कहीं बैठ के ताश खेल रहे होते हैं पेड़ के नीचे। या इधर गॉसिप्स कर रहे होते हैं, या यूनियन कुछ वो बना करके सोसाइटी वोसाइटी बना के उसके अंदर सिर्फ लोक कल्याण की बातें कर रहे होते हैं टाइम पास एंड वेटिंग फॉर द बॉडी टू एंड, क्योंकि उनकी बॉडी का कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ वो अपने क्या कर रहे थे मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। एक बार एक ओल्ड एज होम में ही गई थी। ओल्ड एज होम क्या होता है, जहां पे बच्चों ने त्याग दिया माँ बाप, अब किसी एक जगह पर ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। वहां पे कोई नहीं, सिर्फ उस 50 मेंबर रहते, रोज हर हफ्ते हर महीने किसी ने एक की डेथ होगी होगी। पीड़ाएं इतनी ज्यादा होती है, उसको वहां दर्द है, उसको ये बीमारी है, उसको बीमारी है, उसको वो बीमारी है, सब गोली फांक रहे होते हैं और बुरी तरह से परेशान होते हैं, करा रहे हैं कि तू भी बूढ़ा मैं भी बूढ़ा, तो सेवा कौन करेगा। वहां पर जो स्थिति होती है वो सिर्फ ये होती है कि वो सारी जिंदगी अपनी वहां बैठे से ग्लोरिफिकेशन करे, तो किसकी अपनी, पता तुम्हें पता नहीं मैं क्या था, मैं फलाना फलाना कंपनी में जनरल मैनेजर था, ये मेरे पास था, पहले ये सुना रहे होते हैं अपनी ही पुरानी बातों के अंदर अपनी बड़प्पन बता रहे होते हैं। और दूसरी बात होती है अपने बेटे और बहू की चुगलियां कर रहे होते हैं कि मेरी बहू ऐसी आ गई, मेरी बेटी को इतना बेकार ससुराल मिल गया, है ना, ये हो गया वो हो गया। सिर्फ उनके पास एक ही टॉपिक होते हैं, और ज्यादा टॉपिक चाहिए तो केजरीवाल डिस्कस कर लेंगे, मोदी डिस्कस कर लेंगे, वहां तूफान आ गया, कोरोना में ये हो गया और ये हो गया, बस। अब उनसे पूछिए, मैं ओल्ड एज होम में जाकर सबको बोली क्यों ना हम अपने सारे डिस्कशन बंद करके हरे कृष्ण महामंत्र कर लें, मैं सबके लिए फ्री वाला लाई हूँ, आप भी कीजिए, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये आपके जो केजरीवाल और मोदी की बातें चलती है इससे कुछ हो जाएगा? फिर क्या बोलते हैं, हमारा तो 24 घंटे नाम चलता है, 24 घंटे हम नाम लेते हैं भगवान का, हमारे तो 24 घंटे मन ही मन नाम चल रहा है। अगर 24 घंटे आपके मन में नाम चल रहा है तो फिर बाहर निकलता मोदी और केजरीवाल कैसे है? भाई जो अगर 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे तो भगवान के नाम भी, तो मुंह से तो भगवान के नाम ही निकलेगा। फिर सारा दिन सिर्फ अपने बहू की बुराइयां क्यों निकल रही हैं? अगर 24 घंटे आपके घर मन में राम राम निकल रहा है, फिर सिर्फ सारा दिन से चुगलियां कर रहे हैं किसी की, तो वृद्धावस्था भक्ति सीखने के लिए नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कहा 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। जब 5 ईयर का हो गया, जब 5 साल का हो गया, उसको माला पकड़ा देनी चाहिए और उसको माला दृढ़ता से करनी चाहिए। जब वो माला करेगा इस एज में, तो जाके वो उस मेंटेलिटी में पहुंचेगा जहां पे वो फालतू की बातें ना करके भगवान का नाम ले पाएगा। अभी तो मैं आपसे बात करती हूँ, आप लोग सब जप करते हैं, क्या 24 घंटे आपके मन में महामंत्र चलते हैं? हम तो घिस घिस के 16 माला 64 माला भी कर रहे होते हैं तब भी 24 घंटे तो भगवान का नाम नहीं निकल रहा होता। मगर वो बोलते हैं जो सारा दिन बकवास करते हैं उसके बाद क्या होते हैं, हमारे तो 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा है, भांग सुनते हैं आज से भगवान के चरणों में आ जाएंगे। जिसके मन में 24 घंटे भगवान का नाम चलेगा भगवान के चरण पकड़ लेंगे। मगर मुंह खोलते कुछ और देखते हैं, ये स्थिति है। तो जब हम और बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम पे हमारे पास रोने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि काश मैंने जब हाथ पैर चलते सीख लिया होता,
काश मैंने हाथ पैर चलते पढ़ लिया होता। अब स्पेक्स लग गया ना, अब स्पेक्स हटा देती हूँ तो पढ़ा नहीं जाता। पहले मैं 16-16 घंटे एक साथ पढ़ती थी और अब एक घंटा पढ़ने के बाद भी लगता है कि बस बस बहुत हो गया, आंख दर्द हो रही है, आंखों में पानी आना शुरू होता है एक डेढ़ घंटा दो घंटा पढ़ने। तो सोचिए अभी तो बहुत ज्यादा एज हुई है, मान लो 70-80 की एज हो जाए तो कहाँ पढ़ा जाएगा ये सब। दिमाग में अपने जंग को भर लिया होगा। कुछ लोग सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में क्या होता है, फर्स्ट पेज न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या होता है, वहां पर रेप हो गया, वहां पर मर्डर हो गया, चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, वहां पर कब्जा हो गया, वहां पर नया रूल आ गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए, है ना, वहां पर गैस लीक हो गई, वहां पर तूफान आ गया, वहां बाढ़ आ गई, ये मर गया, ये खप गया। मतलब कि सुबह से लेकर हम अपने सर में क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं और उठते ही जो दुनिया भर का गंद है अपने सर के अंदर डाल लेते हैं। सुबह उठते ही दुनिया का गंद, और पूछो क्यों कर रहे हो ये सब, दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। अरे भाई 70 साल के तो हो गए, अब दुनिया की जानकारी रख के क्या करोगे। ठीक है, अपनी जानकारी तो नहीं है कि मैं आत्मा हूं और मुझे क्या करना था, मरने के बाद क्या करना है उसकी कोई जानकारी नहीं है, बस दुनिया की जानकारी रखनी है। पूरी दुनिया गंद उठाया और अपने सर में ऐसे सारी दुनिया की गंदी बातें सुबह सुबह अपने दिमाग पर डाल लेते हैं और सोचते हैं पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब ये ऐसा की बात है, मतलब कि इतना बड़े कॉलेज भी हम कहां से पढ़ के इंटरेस्ट लेते हैं, ये सोचते हैं अपने बारे में कितना बड़ा भालसा हो गया, उसे मैं होता तो क्या होता, यही इसी जगह पे मैं होता मेरे साथ हो सकता है, और उसके बाद मैंने शेयर छोड़ दिया उसके बाद क्या होगा वो नहीं पता। तो प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं माइक, जी हाँ, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही साथ आप लोगों के शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतन है, पूछ रहे हैं आप, मतलब उनकी आध्यात्मिक प्रकाश के साथ क्या लोगों की शारीरिक कल्याण की चिंतन है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, परमार्थिक कल्याण कार्य करने के लिए शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। अब ये नहीं समझना बड़ा मुश्किल है, ये क्या बात है, जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे शारीरिक कल्याण कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मेरा कॉमन एग्जांपल लेंगे, मैं बहुत बार देती हूँ इसको, बहुत पहले की बात है, सन 2001 की बात है, 2002 की बात है, मेरे पास एक पीएन काम किया करता था, बोला जी मेरी सिस्टर बड़ी परेशान है ना, उसका पति है जो शराबी जुआरी है, बहुत बुरी हालत है, ये झुग्गियों में रहती है, तो आप ना उसको किसी काम पे लगा लीजिए, सफाई बर्तन झाड़ू पर सब करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बुलाया, इंटरमीडिएट ठीक लगा, तो मैंने उसको रख लिया, फिर सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे से मुझे काम देखना है, घर पूरा संभालना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं सुबह 6 बजे अपने घर का दरवाजा खोलती हूँ तो वो मेरे घर के बाहर सोती मिलती थी मुझे, तो मैं कि तू यहाँ पे कैसे आई, तो बोले दीदी रात को उन्होंने पी के आए, मेरे को इतना मारा देखो मेरे पीछे, तो मेरे को फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अपने घर के आगे आके सो गई। तो मैंने उसको बताया कि अच्छे काम कर, तो मैं अपने घर में सुबह खाना बना के थे, हाँ जी आती हूँ, तो ना भगवान को भोग लगा दिया था, हाँ प्यार लहसुन छोड़ दे, भगवान को भोग लगाना शुरू कर, और उसके बाद तो माला करना शुरू कर, ये भी रहती सरल होती है, फ्री होती है ना। तब मेरा बेटा बहुत छोटा सा था,
तो एक काम कर, तू ना माला करना शुरू कर दे, ये तो पकड़ माला, ठीक है, 16 16 32 32 माला शुरू कर दे उसने, दिन में खाली है और बच्चा सो गया है तो माला कर सकते आराम से, 16 32 माला उसके आराम से रखती, पर घर में भोग भी लगाना शुरू कर दिया। सन 2005 2002 या 2003 में आई थी, शायद 3 में आई थी, जैसे सन 2005 उसने 2004 के एंड में उसने मुझसे बोला कि मुझे कुछ लोन चाहिए, मैं लैंड खरीद रही हूँ, राइट। तो मैं धीरे धीरे बताती थी कि उसके जो दो बेटे थे वो क्रिमिनल एक्टिविटी से बढ़ गए, चेन स्नैचिंग करना, पर्स लूटना, ये सब काम रोज ही उनके घर में पुलिस चक्कर लगाती थी। तो क्या हुआ कि मैंने उनको भगवान के नाम जोड़ दिया। 2004 तक क्या हुआ, उसके दोनों बेटे जो पहले चेन लूटा करते थे, पर्स मारा करते थे, पॉकेट मारा करते थे, इस तरह के काम किए करते थे, एक ने अपने आप, कुछ नहीं कहा किसी ने, उसने अपने आप क्या किया, अब चश्मे की दुकान खोल ली, सीखा स्पेक्स बनाने की दुकान खोल ली छोटी सी, और दूसरे ने क्या किया, एक टैक्सी डाली गुड़गांव तक की, अपने आप अपने आप अपने आप बरकत हुई, जितना भी उसको पैसे थे उसी से, उतने से ही उसका ये सब होना शुरू हुआ। दोनों बच्चों ने सारी बुरी हरकतें अपने आप छोड़ दी, पति जो शराबी जुआरी था वो सब छोड़ दिया अपने आप, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, कुछ नहीं कहा उसने कभी, सिर्फ भोग भगवान को प्रसाद खिलाते उसे सब कुछ छोड़ दिया, और वो एक जो ग्रीन वाला ऑटो होता ना वो उससे कर लिया माल ढोने के लिए, माल इधर से उधर ले जाने के लिए वो कर लिया, और 2005 तक उसने एक अच्छा 4 मंजिला घर बना लिया, बरकत। भगवान से जुड़ने से पहले तक उसके बच्चे हो गए थे, 16 17 साल के लड़के थे उसके, उससे पहले तक वो कहाँ थी, झुग्गियों में थी, रोज उसका पति उसको आकर के पीटता था, रोज बुरी हालत थी, कितने कितने दिन रहता वो कुछ खाए, बोले कभी कभी तो 5 5 दिन रहते कुछ भी पेट में डाले, इतनी बुरी हालत थी उसकी, घर में एक रोटी नहीं थी, लड़के भी शराबी जुआरी बन गए थे, और जैसे जैसे भगवान का नाम लेना शुरू किया क्या हुआ, सब कुछ अपने आप अच्छा 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 होने लग गया, और सब कुछ क्या हुआ, अपने आप उसका घर बन गया, अपने आप हुआ। जब मेरे यहाँ जॉब छोड़ी तो उस टाइम मेरा अनिरुद्ध छोटा ही था, तो पैदा ही हुआ था 2-3 महीने का था, तब एक्चुअली उसकी बेटी की बहू आ गई थी उसकी, वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने कहा कि अब मैं दीदी छुट्टी लूँगी, क्योंकि अब उसको संभालना है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। कहने का अर्थ क्या हुआ, सिर्फ 3 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ, पूरी जिंदगी भी अगर मैं उसको कंबल देती रहती, उसको हॉस्पिटल बना के दे देती, उसको ना सब्जी फ्री में भी दे देती, तब भी वो इस स्थिति पर नहीं आ सकती थी, आ सकती थी बताइए, मैं उसको रोज कपड़े दान देती, तो क्या कपड़े खाना उसको देती, तो क्या वो इस स्थिति पे आ सकती थी, हाँ या ना कुछ तो बोलिए, नहीं आ सकती थी, कि अपने आप उसका घर सेट हो जाए, अपने आप सब काम पे लग जाए, अपने आप सब काम करे, बुरी आदतें सबने छोड़ दी, अपने आप छोड़ दी, प्रसाद अंदर जाता गया और वो बुरी आदतें छोड़ते गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लड़े। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर हम भगवान से किसी को जोड़ते हैं तो भगवान से जुड़ने के बाद तो सब चीजें अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती है। तो सबसे बड़ा परोपकार क्या है, प्रभुपाद ने क्या कहा है, अगर हम परमार्थिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। और एक दिन जन्माष्टमी में आई हुई थी टेम्पल में अपने पोतों वगैरह को लेकर के, बड़ी खुश थी, आप ही सीधा लेट गई कि आप ही ने मुझे बचाया था, कहाँ थी मैं 3 साल में कहाँ पहुंच गई, है ना। और ऐसे एक नहीं है, हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, आपको एक और मैं बताती हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था, तो उसके फादर पुलिस में थे, बहुत छोटी पोस्ट पे थे ना, जैसे सबसे लोएस्ट,
एक रूम का घर था उनका, जो पुलिस क्वार्टर होते हैं बहुत गंदे से होते हैं, वो वहाँ रहते थे। एक सिस्टर थी, वो बच्चा सीए कर रहा था मेरे पास, तो मैंने उसको चैंटिंग सिखाई। पहले तो मेरे दिमाग में आया पुलिस का पैसा है, पता नहीं सही करेगा नहीं करेगा, तो ना ऐसे ही होता है। तो मैं उससे चैंटिंग शुरू कर दी उस लड़के ने। फिर मैंने एक दिन उनके घर गई, उसके मैं हमेशा बच्चों के पेरेंट्स को प्रीच कर एक घर गई, तो उसकी मामा बहुत सीधे साधे लोग थे, मतलब उसकी माँ बहुत सीधे साधे थी, पिता उससे मैं मिली उस टाइम मिली नहीं थी। तो मैंने उसकी माँ से बोला कि आप ही माला करिए, तो बोली मेरी सबसे बड़ी टेंशन है कि मेरी बेटी जो है ना, ये हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो रोटी पर खा पाते हैं, इसी तरह ना पैसा होता ना कुछ होता है ना, अभी इसको भी सेट करना है। चलो ये तो आपके उसमें आ गया, मगर इसको कैसे करेंगे क्या करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको भी पढ़ने से उसका इंटरेस्ट था कि मैं कुछ और पढ़ूँ, तो उसको मैंने कहा ठीक है पढ़ना शुरू करो। सिर्फ दो तीन साल में, सिर्फ दो तीन साल की बात की बात बता रही हूँ, उस पुलिस की जो सबसे छोटी जॉब होती है उसको क्या कहते हैं हवलदार, उससे भी नीचे कुछ, उससे भी नीचे उस वाली पोस्ट पे थे वो, उनके पास कमिश्नर के घर से आया कि आपकी बेटी के रिश्ता चाहिए। पुलिस कमिश्नर के घर से आया कि आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, और उन्होंने फटाफट हाँ कर दी। उनके पास 10 रुपए भी नहीं थे, उन्होंने कहा सारा पैसा हम लगाएंगे शादी में, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे 3 साड़ियां दे देना बस। और वो आज वहां पर रानी बन के रह रही है, और बेटा भी बहुत अच्छी जॉब पे सेट हो गया है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते थे, अभी बताइए। कोई बोलते हैं हम तो उनको पैसा दे देते हैं, हम उनको कपड़े दे देते हैं, हम उनको लिए ये कर देते, इससे उससे इससे हो जाता नहीं। नहीं आप एक टाइम खाना खिला दें, दूसरे टाइम में क्या होगा, लालच और बढ़ जाता है ना, लालच छूट बढ़ाना गलत पड़ता है, तो फिर आप समझिए भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का सहारा ले लिया, जब भगवान ने अपनी शरण में ले लिया तो उसके बाद तो सारा कल्याण होगा ही होगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं अभी अभी फोन करके सबसे बात करा सकती हूँ एज इट इज। कहने का अर्थ ये कि हमारे को सिर्फ लोगों को भगवान से जोड़ना है। प्रभुपाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे को ऐसा नहीं है कि हम लोग, प्रभुपाद ने क्या कहा भगवान से जोड़ देंगे तो शारीरिक कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये किस प्रकार होता है, मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है तो स्वाभाविक ही आप अपने साथ ही साथ मोटर की भी देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते, आप यह नहीं कहते कि मैं मोटर हूँ, ऐसा कहना मूर्खता है। परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं, वे अपनी शरीर रूपी मोटर की आवश्यकताएं से अधिक देखभाल कर रहे हैं, आप बस वास्तव में वे चिन्मय आत्मा हैं और उनका एक दूसरे के प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता, हमें आत्मा का यथोचित भोजन देना आवश्यक है। जब आत्मा सेटिस्फाइड हो जाएगी तो अपने आप क्लीनिंग हो जाएगी, अपने आप अपनी गंदी आदतें छूट जाएगी, अपने आप हो जाएगा जब भगवान अपने हाथ पकड़ लेंगे। तो हमारे को क्या करना है, खुद को भी भगवान का हाथ पकड़ना है और साथ में क्या करना है, दूसरों का भी हाथ पकड़ाते रहना, तू भी पकड़ ले, तू भी पकड़ ले, तू भी पकड़ ले। भगवान तो अपने कितने हाथ है भगवान के बताइए जरा, अनगिनत हाथ है। तो अब इस अपना हाथ जोर से पकड़ के रखना है, भगवान से छूटने जाए और दूसरों का हाथ भी पकड़ाते चलो, चलो भाई तू भी पकड़ ले, तू भी पकड़ ले, तू भी पकड़ ले। भगवान ने हाथ पड़ा रखे हैं और यहाँ तो जगन्नाथ जी है। अरे यहाँ तो जगन्नाथ जी है, और जगन्नाथ जी क्या करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सबको लेने के लिए तैयार खड़ा हूँ, सबको लेने के लिए खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करते हैं है ना। सब भगवान ऐसे या तो यू होते हैं, या फिर यू होते हैं, या फिर यू होते हैं,
से जगन्नाथ है यूं करके खड़े होते हैं, आ जाओ आ जाओ सबको आ जाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, खाली हाथ आते हैं भगवान हमारे लिए आंखें मोटी मोटी करके बिछाए बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ से आंखें मोटी मोटी करके ऐसे करते ना, आ जाओ आ जाओ ऐसे करते जगन्नाथ, और हम तब भी कहें हम उनसे मुंह मोड़ के खड़े रहते हैं। तो समझना आज ये है, मेरी क्लास अभी आगे भी चलेगी कल, समझना हमें ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसको रियलाइज करने के लिए अगली बार एक स्टोरी और सुनाऊंगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, खुद भी भगवान से जुड़ना है और सबको भगवान से जुड़ना है, सबको भगवान से जुड़ना है, प्रयास करिए सब भगवान से जुड़े। फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स क्या फोन करता हूँ, आते हैं बात होती है। शुभ रात्रि, जय।